सीधे रुख करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, दुर्ग में आज क्या कुछ विशेष देखने को मिलने वाला है? शुरुआत करेंगे सीएम भूपेश बघेल के दौरे के साथ, और इसी के साथ एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां बीजेपी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष को उठा लिया गया है और बीजेपी में से लेकर आक्रोश है। किस प्रकार से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? जी हाँ सारिका जी, जैसा कि देखा जा रहा है, जो मैं खड़ा हूँ ये गंजमंडी का वो पूजा पंडाल प्रांगण है, जहाँ पर गेट मुलाकात होने को है और तमाम चीजें, तमाम सुविधाएं और तमाम तैयारी हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं और इस पूरी जगह की निगरानी कर रहे हैं। सेना के लोग, पुलिस के जवान, सारा कुछ यहाँ पे डिप्लॉय किया जा चुका है। आप देख रहे हैं कि अगर स्टेज अगर दिख रहा हो तो स्टेज में आप देख सकते हैं कि अधिकारियों के द्वारा पूरी जानकारी मालूमात की जा रही है और जो सुरक्षा के मद्देनजर सारी चीजों को एक एक बिंदुवार व्यवस्थित किया जा रहा है और धीरे धीरे लोग अब यहाँ पे आने लगे हैं। और अगर बता दूं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मालवीय नगर में स्कूल है, अंत्योदय इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आत्मानंद स्कूल, और वहां पे 11 कमरों का निर्माण किया गया है और उन 11 कमरों के साथ 4 ऐसे लैब बनाए गए हैं जिसमें खगोल विज्ञान को लेकर लैब है, मैथ लैब है, जूलॉजिकल लैब है, बॉटनिकल लैब है, तो ऐसे 4 लैबों का भी उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही सत्ती चौरा मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के बाद वो यहाँ पहुंचेंगे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, और उस दौरान इस पूरी जनसैलाब जो यहाँ पे उस समय मौजूद रहेगी लगभग 1-1.5 घंटे बाद, उस पूरे जनसैलाब को संबोधित करेंगे। और सबसे मुख्य बात है कि जो राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, किसान हित को लेकर और विद्यार्थियों के हितों को लेकर और जो अन्य क्षेत्र हैं, अन्य विभाग हैं, उन्हें लेकर जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं को लेकर वो सीधे रूबरू होंगे यहाँ की आम जनता से। और उनकी एक खास पकड़ है आम जनता के बीच कि वो लोगों से जुड़कर उनकी समस्याएं सुनते हैं और तमाम अपने विकासवादी योजनाओं की जानकारी देते हैं, और यदि कोई भी शिकायत पाई जाती है तो तत्काल उसका निराकरण भी किया जाता है। सारिका जी जी बिल्कुल, सुबोध, सीएम भूपेश बघेल जनता से मुलाकात करने वाले हैं और जब भी मुलाकात करते हैं कई सौगातें दी जाती है, जनता की कई मांगे होती हैं जिसे पूरा किया जाता है, तो इसी कड़ी में दुर्ग में किस प्रकार की सौगातें आज जनता को दी जा सकती है और क्या कुछ मांगे जनता की सीएम से रह सकती है? सरिका जी, बहुत अच्छा सवाल है कि जैसा कि मैंने बताया कि 11 कमरों का, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के 11 नए कमरे करीब 1.5 करोड़ की लागत से बने हैं और 4 ऐसे लैब हैं जो विद्यार्थियों की जानकारी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए बेहद जरूरी है, बहुत अहम है, उसका लोकार्पण करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। और साथ ही ये एक सौगात केवल पहली सौगात नहीं होगी बल्कि आने वाले समय में विभिन्न सामाजिक स्तर पे सामुदायिक भवनों को लेकर है, खेल मैदानों को लेकर है, जिस तरह के पुरई पिछले दिनों जो पुरई में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने वहां पर भी करोड़ों की सौगात दी थी। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो शासन के अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती, जैसे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पढ़ाई करने में आगे पढ़ाई करने में काफी समस्याएं हैं, काफी दिक्कत है, उनका परिवार कर्ज के तले दबा हुआ है, तो तत्काल मौके पर ही उनके कर्ज का निवारण किया जाता है, तत्काल उन्हें नगद राशि या चेक के मार्फत उन्हें मुहैया कराई जाती है और उनके समस्याओं का निराकरण किया जाता है। और आने वाले समय में देखा जाएगा कि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र, ये शहर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के विधायक अरुण वोरा है और महापौर धीरज बाकलीवाल है, तो निगम क्षेत्र में और विधानसभा स्तर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मांगे हैं, बहुत लंबित हैं, जिसकी पूर्ति भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जाएगा। और यदि बात किया जाए तो जिस तरह से ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्हें नजरबंद कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो कि सोशल मीडिया में काफी प्रचारित हुआ था कि वो इस बीच बैठकर यहाँ पर सवाल भी करेंगे और अगर होगा तो विरोध भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को नजरबंद कर लिया गया है। जी जी बिल्कुल सुबोध, और बात करेंगे अन्य खबरों की, तो किस प्रकार की रहने वाली आज दुर्ग में खबरें, और वहीं बात करेंगे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की, तो किस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है दुर्ग में? अगर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर 100 से भी ज्यादा जो पुलिस जवान है यहाँ पर मौजूद हैं और 2 टुकड़ी भी ऐसी लगाई गई है जो प्रवेश द्वार में सेना के लोग हैं, जो लगातार मेटल डिटेक्टर से लोगों के जो आना जाना कर रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही जो भी संदेहास्पद चीजें जो वो ला रहे हैं या फिर कोई अगर काले कपड़े में है तो किसी प्रकार का विरोध की संभावना को लेकर भी उन्हें वही रहने दिया जा रहा है, और जो संदेहास्पद चीजें हैं उन्हें उनसे लेकर वापस उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। तो ये तो कड़ी व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है। साथ ही अगर अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में बात करें तो दुर्ग जिले में जो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र है और साथ में और जो मुरमुंदा जो ग्राम ग्राम पंचायत क्षेत्र है, तो
और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है और लोगों से चर्चा की जा रही है और केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। और इसके साथ ही अगर निगम प्रशासन की बात करें भिलाई शहर सरकार की, तो जो पिछले दिनों हुआ था पार्षदों के द्वारा जो उन्हें गिफ्ट मिला था महापौर के मार्फत रामनवमी के अवसर पर, तो उन्होंने सदन में आकर उसे वापस किया था और ये बात कही थी कि उन्हें गिफ्ट नहीं विकास चाहिए। तो उस बात को लेकर अभी भी जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, चर्चाएं गर्म है। और जिला अध्यक्ष जो ब्रिजेश बिजपुरिया, उनका कहना है कि अगर कार्रवाई होती है सदन की गरिमा को खंडित करने को लेकर तो महापौर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर महापौर का कहना है कि उन्होंने शिष्टाचार की बातें शिष्टाचार के लिए रामनवमी के अवसर पर उन्होंने पार्षदों को गिफ्ट दिया था, उसे सदन पर वापस करने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह की राजनीतिक हलचल यहाँ पर दुर्ग जिले में मची हुई है। सारिका जी बिल्कुल सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का आज दुर्ग का दौरा रहने वाला है, जहां वे जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। वहीं जनता की कई मांगे शिकायतें होंगी जिनका त्वरित निराकरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। वहीं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नए 11 कमरे बनाए गए हैं, जिसका लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल